उस वैगनार से एक्सीडेंट हो गया भेड़ों का, तो उसमें दो दो भेड़ें मरने की सूचना है, एक दो कुछ भेड़ें घायल होने की सूचना है। इस पर गांव वालों ने उस वैगनार के जो तीन लड़के बैठे थे उनका पीछा किया, तो लड़के वैगनार छोड़ करके वहाँ से भाग गए। फिर उनको गांव वालों ने पकड़ लिया। उनमें से एक सिराजुद्दीन कुचिल निवासी है, एक साकिर सुरपुरा का है, दूसरा राजू वो भी सुरपुरा है, सुरपुरा का रहने वाला है। इन तीन लड़कों के साथ में गांव वालों ने इस एक्सीडेंट के कारण साधारण मारपीट हुई। फिर उनको सरपंच को बुला करके ये लोग उन तीनों लड़कों को थाने पर लेकर के आए। पुलिस थाना रूपनगढ़ में उनसे पूछताछ की गई, डॉक्टर मुआयना करवाया गया, उनकी आपराधिक गतिविधियां वगैरह शकुनत आदि के बारे में जानकारी ली गई। अभी तक उनके जो चोटें आई है वो तीनों के सामान्य चोटें आई है। अभी तक दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष ने इस संदर्भ में FIR के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है। पुलिस अभी भी मौके पर मौजूद है, जो भी जैसी परिस्थिति जैसा एप्लीकेशन आएगा, जैसी हमारे पास में सूचना आएगी उसके अनुसार विधि सम्मत बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। क्या पुलिस अपनी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया दे सकती है? प्रयास यह है कि पहले वो सूचना दे, दोनों पक्ष क्या सूचना देते हैं, क्या मुकदमा क्या परिवाद प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद में जो परिस्थिति होगी कानून के अनुसार बिल्कुल पुलिस भी प्रतिक्रिया लेगी।